हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिकल बेसिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स को शुरू करते हैं। बीएससी सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट चल रही है अपनी, जिसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस की थी और ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज अपने इंसैम्पल करते हैं, उन्हीं डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ये एक दो डेफिनेशंस के बाद ये लास्ट है, फिर टॉपिक करेंगे स्टैट का, ठीक है। इंसैम्पल को हिंदी में बोलते हैं समुदाय। जैसा कि मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू करते टाइम थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी सांख्यिकी में जब मैंने डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, जिसको हम शॉर्ट में स्टैट बोलेंगे, और जो सांख्यिकी हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, तो ये जो सांख्यिकी या स्टैट है, इसके अंदर क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स का एक एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हो आप। या जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ मतलब कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आई थी, उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स की जो कमी है उनको दूर करेगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स की एक जो सबसे बड़ी कमी थी कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिस्टम को पढ़ सकता है, उसी कमी को दूर करती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स को यानी एंसेंबल को एक साथ पढ़ सकते हैं। इंसैम्पल की डेफिनेशन मैं आपको कल करवा चुकी हूँ। इंसैम्पल मैंने क्या बोला था, एक जैसे निकायों के समूह को इंसैम्पल बोलते हैं, एक जैसे सिस्टम के ग्रुप को इंसैम्पल बोला जाता है, जिसको हिंदी में समुदाय कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये कोई बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर मैंने मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं एन। मैंने अब इसको क्या किया, छोटी छोटी सेल्स में यानी कोशिकाओं में डिवाइड किया, और हर एक सिस्टम में मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स डाल दिए। जैसे यहाँ पे मैंने N1 डाले, ठीक है, यहाँ पे N2 डाल दिए, इस सेल में इसमें N3 डाल दिए, इसमें N4 डाल दिए, सो ऑन करते करते इसमें NN पार्टिकल डाल दिए। और ये हर एक टोटल जो है N पार्टिकल्स थे इस पूरे सिस्टम के अंदर, और हर एक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जरूर अलग अलग है, लेकिन पार्टिकल तो एक जैसे ही है ना। यानी कि अगर यहाँ पे जो सिस्टम बड़ा सिस्टम लिया था उसमें ऑक्सीजन गैस है, तो इस सेल में भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। देखो मैं पार्टिकल बोल रही हूँ, आप मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि ऑक्सीजन के तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं पार्टिकल्स बोल रही हूँ। तो स्टैट में हम कण अणुओं को कण भी बोल देते हैं, ठीक है, ये बोलने का तरीका है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक जैसे पार्टिकल डाले हैं इसके अंदर, मैंने यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के पार्टिकल डाले, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के पार्टिकल डाले। ये हो सकता है कि एक सेल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल अलग अलग हो, लेकिन रहेंगे तो हर एक सेल में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ना, किसी भी सेल में ऐसा तो नहीं हो कि ऑक्सीजन के अलावा कुछ और चीज आ जाएगी। तो इसीलिए बोला एक जैसे निकायों के समूह को समुदाय बोलते हैं, यानी इसमें अब देखो काफी सारे सिस्टम बन गए, पहला सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरीके से कोई एन सिस्टम बने, एन सिस्टम, ठीक है। तो मतलब अभी काफी सारे सिस्टम हो गए ना, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, चार सिस्टम। मतलब स्टैट की जो डेफिनेशन है कि एक जैसे समुदाय, एक साथ कई सारे समुदायों को पढ़ना, कई सारे निकायों को पढ़ना, नंबर ऑफ सिस्टम्स को पढ़ना, मैंने यहाँ में आपको लिखवाया था कि इंसैम्पल को पढ़ना, तो वो इंसैम्पल क्या था कि नंबर ऑफ सिस्टम, काफी सारे सिस्टम्स के ग्रुप को इंसैम्पल बोला जाता है, और वो भी कैसे, जिसके अंदर एक जैसे पार्टिकल्स हो, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो। ये हो सकता है कि किसी सेल में या किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर पार्टिकल एक जैसे ही रहेंगे हर एक सेल में, तो उसको बोलते हैं इंसैम्पल। अब इंसैम्पल आगे से तीन टाइप का होता है। पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्पल, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म विहित समुदाय। देखो दोनों टर्म्स को याद रखो आप हिंदी इंग्लिश में, समुदाय या इंसैम्पल, क्या आपको समझ आया, एक जैसे निकायों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। मैं आपको अभी करवा रही हूँ माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्पल, दैट इज सूक्ष्म विहित समुदाय, तो आप हिंदी में भी याद रखो। अब देखो मैंने क्या किया, एक बड़ा सिस्टम था, उसको मैंने क्या करना है, सेल्स में डिवाइड करना है। मैंने सेल में डिवाइड करते टाइम मैंने क्या ले लिया कि जिन वॉल्स के थ्रू मैं सेल को डिवाइड कर रही हूँ, जिन वॉल की हेल्प से, ये वॉल है ना, देखो ये वॉल है ना, ये वाली एक वॉल, ये वाली एक वॉल, इन दो वॉल से एक सेल बनी, फिर इधर एक वॉल, इधर एक वॉल, यानी ये वाली जो वॉल्स है इनकी हेल्प से मैं सेल को डिवाइड करती आ रही हूँ ना। अब मैंने क्या किया, सूक्ष्म विहित या माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्पल किसको बोलते हैं, ऐसा इंसैम्पल जिसके अंदर ये जो वॉल्स होती हैं वो क्या, अगर किसी इंसुलेटर की बनी हो,
को हिंदी में कुचालक बोलते हैं? ठीक है, कुचालक ही बनी हुई है। मैंने क्या मान लिया कि अब जब इंसुलेटर वॉल्स के हेल्प से, इंसुलेटर मटेरियल की हेल्प से ये वॉल बनी हुई है, तो देखो ऐसा केस आएगा कि इस हर एक सिस्टम की एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट अलग से फिक्स रहता है, चाहे कितनी टाइम बाद देख लो। जैसे इस सिस्टम का अगर E1N1 है और इसका E2N2 है, अब देखो कुचालक वॉल्स लेने से, कुचालक दीवारें बनाने से क्या फर्क पड़ा कि अगर ये कंडक्टर होती है, वॉल सुचालक होती, तो देखो किसी ना किसी फॉर्म में ये पार्टिकल आपस में टकराते। जैसे कि मैं एक बार यहाँ पे बता रही हूँ आपकी, जैसे ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या मान लिया, मैंने गैस भर दी इस पात्र के अंदर, मैंने गैस भर दी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये वाला गैस का अणु इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, टकराएगा, ये टक्कर करते रहेंगे। अब जैसे ये टक्कर करते रहेंगे तो एनर्जी का कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, और वो लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में होगा, है ना, ऊष्मा की फॉर्म में होगा, करंट तो बन नहीं सकता गैस के अणुओं के टकराने से। तो अगर ये हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स इस सेल में जितने भी कण होंगे वो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो हीट का लॉस होगा, लेकिन वॉल्स इंसुलेटर की बनी है इसीलिए हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ट्रांसफर? अगर ये जैसे आप कैटल का केस लो, जो थर्मस होती है, जिसके अंदर अपने जब गर्म चाय डालते हैं, तो अब देखो ये एटमोस्फियर इसके साइड पे एक तरीके से इसको आइसोलेटेड कर देते हैं, वो जो इसके कैटल के अंदर जो मटेरियल डला होता है। अब देखो अब इसके अंदर जो हीट थी, इस इंसुलेटर मटेरियल के कारण ये ट्रांसफर नहीं हो रहा ना। अगर ट्रांसफर होता तो हीट जो अंदर जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाता, बाहर के टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है ना। तो ये जो इंसुलेटर मटेरियल क्या कर रहा है, एनर्जी का या हीट का ट्रांसफर नहीं होने दे रहा, इसीलिए माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल किसको बोलते हैं, जब किसी सेल को डिवाइड करते टाइम अगर हमने वॉल्स कैसी बनाई है, इंसुलेटर मटेरियल या कुचालक की बनाई है, और ऐसी कंडीशन आ जाए कि E1N1 V1, मतलब हर एक सेल की एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम के बाद भी, तो ऐसे एग्जांपल को बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल। कैसे? मैंने सूक्ष्म विहित समुदाय क्या बोला, मैंने क्या किया, जो वॉल्स बनाई सेल को बनाते टाइम वो कुचालक रखी। जब मैंने कुचालक रखी तो मैंने मान ली, मैंने देखा कि पहली जो सेल है उसकी एनर्जी E1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 और नंबर और उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। कुछ टाइम के बाद भी, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर तो यहाँ से हो ही नहीं सकता, कुचालक है तो एनर्जी तो इसकी चाहे कम मर्जी देख लो फिक्स ही रहेगी। जैसे अगर इस सेल की इसकी E3N3 V3 हो, इसका क्या हो जाए E4N4 V4, E5N5 V5 रह जाए, E6N6 V6 रह जाए, सो ऑन करके चले, 9 आ जाएगा यहाँ पे E9N9 V9, E12N12 V12, जैसे यहाँ पे E8N8 V8 रह जाए, E11N11 V11, E10N10 V10, E7N7 V7, मतलब एक ऐसा एंसेंबल जिसके अंदर क्या रहे, ना तो कणों का आदान प्रदान हो जाए एक सेल से दूसरी सेल में, ना ही उस ऊर्जा का आदान प्रदान हो, मतलब एक ऐसा समुदाय जिसके अंदर कणों की संख्या यानी n उस ऊर्जा और वॉल्यूम फिक्स रहे, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, सूक्ष्म समुदाय, सूक्ष्म विहित समुदाय। तो सूक्ष्म विहित समुदाय आपको पता चला होगा कि मैंने क्या किया, सेल्स को इंसुलेटर मटेरियल से बनाया ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी और वॉल्यूम तीनों फिक्स रहे, ना तो कणों का आदान प्रदान हो सके एक सेल से दूसरी सेल में, ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके और ना ही वॉल्यूम का आदान प्रदान हो सके। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही नहीं चेंज होगी तो वॉल्यूम कहां से चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। दूसरा करते हैं, इसके तीन टाइप है एंसेंबल के, दूसरा टाइप है कैनोनिकल एंसेंबल। इसको बोलते हैं हिंदी में विहित समुदाय। तो देखो विहित समुदाय क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया, जैसा मैं पे कर रही हूँ एक बड़ा सिस्टम लिया, ठीक है, और इस सिस्टम को क्या किया मैंने, सेल्स में डिवाइड किया। इस टाइम जब मैंने सेल में डिवाइड किया तो वॉल कैसी ली, कुचालक ना लेके सुचालक ले ली।
अब जब वॉल्स सुचालक है या कंडक्टर मटेरियल की बनी हुई है तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेल के अंदर कुछ ना कुछ अणु तो जरूर है, कोई ना कोई जो भी मटेरियल लिया है। अगर गैस के अणु है चाहे वो कितने भी है, वो आपस में टकराएंगे तो एनर्जी का लॉस तो होगा, और वो लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में होगा। और मटेरियल कैसे है, सुचालक वॉल्स बनाई, अगर सुचालक वॉल बनाई है तो जैसा कि पानी का गिलास होता है, अगर उसमें आप गिलास रखते हो तो वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको किसी इंसुलेटेड मटेरियल से कवर नहीं किया हुआ, आइसोलेटेड नहीं किया हुआ, तो कुछ टाइम बाद उस गिलास के अंदर गर्म पानी रखने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर का जो टेम्परेचर होता है और गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो आपस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आते हैं। तो सेम यहाँ पे होता है कि जब यहाँ पे एनर्जी वॉल्स कैसी है, सुचालक है, सुचालक होने से क्या होगा, उस ऊर्जा का तो आदान प्रदान होगा, ये तो हमें समझ आया। तो मतलब जब टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, टी एन और वी, तीनों चीजें फिक्स रहे तो ऐसे एंसेंबल को बोलते हैं कैनोनिकल एंसेंबल। देखो मैंने यहाँ पे एनर्जी फिक्स क्यों नहीं ली, क्योंकि इस केस में मुझे पता है वॉल्स कैसी है, कंडक्टर है। अगर वॉल्स किसी कंडक्टर मीडियम की कंडक्टर से बनी हुई है तो मतलब कंडक्टिव सरफेस है, तो मतलब उस ऊर्जा का तो आदान प्रदान जरूर होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक ऐसा एंसेंबल जिसके अंदर टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम फिक्स रहे उसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल क्या थी, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम्स फिक्स रहे उसको बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल। जब किसी सेल में टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम फिक्स रहे उसको बोलते हैं कैनोनिकल एंसेंबल। अब तीसरा टाइप जो है इसका, उसको उसका नाम है ग्रैंड कैनोनिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं वृहत विहित समुदाय। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स, एंसेंबल के आपको तीनों टाइप पता चले, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल। अब देखो ग्रैंड कैनोनिकल क्या, मैंने वॉल्स कैसी बनाई है, आप कंडक्टिव भी है प्लस कैसी है, वो इस तरीके से डिस्क्रीट है। मैंने वॉल्स अब कैसी बनाई, सुचालक एंड डिस्क्रीट, कंडक्टिव एंड डिस्क्रीट। जब मेरी वॉल्स कैसी हो, कंडक्टिव प्लस डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट मतलब हर एक दीवार के बीच में कोई ना कोई गैप है। अब जब गैप है तो मैंने क्या किया, इस सेल के अंदर मैंने क्या मान लिया, मैंने पांच ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल डाले, मैंने पांच पार्टिकल डाल दिए, ठीक है, इसके अंदर छह डाल दिए, कंडक्टिव है, मुझे पता है ऊर्जा का तो आदान प्रदान पक्का होगा। अगर ऊर्जा का आदान प्रदान होगा इसका मतलब क्या है, एनर्जी तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, है ना। अब देखो दूसरी चीज मैंने क्या बोली, यहाँ पे क्या है, वॉल्स कैसी है, डिस्क्रीट है, वॉल के बीच में क्या है, गैप है। अब गैप है तो पार्टिकल्स भी तो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो जब ऐसा एंसेंबल जिसके अंदर सेल में टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो, पॉसिबल हो, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज क्या हो, पॉसिबल हो, प्लस टी और वी फिक्स रहे, मतलब एन और ई तो नॉन फिक्स है लेकिन टी और वी फिक्स रहे, ऐसे एंसेंबल को बोलते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। यहाँ पे क्या आ रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर एक्सचेंज लिख रही हूँ इसको मैं, होगा। अब देखो तो वापिस से इन एंसेंबल को देखते हैं, तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल जब एन वी और ई तीनों फिक्स रहे, ना तो कणों का आदान प्रदान हो ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान हो, और वॉल्स कैसी है, कुचालक। और कैनोनिकल क्या होता है, जब ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो जाए लेकिन कणों की संख्या और वॉल्यूम में कोई चेंज ना है, साथ साथ टेम्परेचर भी फिक्स रहे, ठीक है, उस केस में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो टेम्परेचर कैसे फिक्स रहेगा इस एग्जांपल में, मान लिया कि यहाँ पे अब हीट से मान लिया 5 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे 4 जूल हुई,
ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे जो इस वॉल के एटम से जो टकराने से जो एनर्जी रिड्यूस हुई है वो इधर वाली में तो ट्रांसफर होगी और इधर वाली इधर होगी, तो इस केस में एनर्जी का जो नेट चेंज होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स रखा है। तो कैनोनिकल क्या होते हैं, जब एनर्जी का तो एक्सचेंज हो लेकिन टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम तीनों फिक्स रहे। और यहाँ पे क्या होता है, कणों की संख्या और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होगा लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल। तो एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो अपना नेक्स्ट एक छोटा सा और टर्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा गतिक प्रायिकता। अब देखो ऊष्मा गतिक प्रायिकता क्या होती है, इसकी जो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। ऊष्मा गतिक प्रायिकता होती है एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। प्रोबेबिलिटी यही कर रहे थे ना अपने, एक माइक्रोस्टेट एक मैक्रोस्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने पास कितनी सारी माइक्रोस्टेट्स आ सकती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। जैसा कि मैंने उस पहले दिन मैंने जब आपको एग्जांपल करवाया था वहां पे कराया था, सूक्ष्म अवस्था की संख्या, इसको ही क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, एक ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। इसको W से शो करते हैं जिसकी वैल्यू होती है n अपॉन पाई n i, n फैक्टोरियल होता है, n यहाँ पे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n फैक्टोरियल अपॉन इसकी वैल्यू, एक मिनट को मैं आपको वापस बताती हूँ। देखो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको एज इट इज ऐसे याद होनी चाहिए, और ये मैंने आपको फॉर्मूले से जो मैंने फर्स्ट डे पे मैंने आपको एक टेबल बना के करवाया था वहां पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकलवाई थी, तो अभी मैं उसको लाइन थियोरेटिकल बता रही हूँ कि वो क्या चीज थी। ठीक है, इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन पाई आई एन आई। अब ये पाई क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, आज तक आपने समीशन पढ़ा था, आप पाई नई चीज पढ़ोगे, ये क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन फैक्टोरियल अपॉन पाई आई एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, ये पाई आई क्या होता है, इस पाई आई का मतलब से समीशन का मतलब होता है ना, समीशन एन का मतलब क्या होता है, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस सो ऑन, मतलब अगर एन इन सबका एड हो तो। और उसी तरीके से पाई एन क्या होता है, इसका मतलब होता है एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री इंटू एन फोर एंड सो ऑन। पाई आई एन आई का मतलब क्या है, कि मतलब कोई आई एन तक मल्टीपल चल रहा है, एन वन इंटू एन टू एंड सो ऑन एन आई तक। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करेंगे कैपिटल एन फैक्टोरियल अपॉन पाई आई एन वन एन टू एन थ्री सो ऑन एन आई का फैक्टोरियल है। ठीक है, यहाँ पे आप कैपिटल एन भी मान सकते हैं, तो मानने पे मैंने माना कि एन जो है एन वन एन टू एन थ्री एन सो ऑन एन फोर तक डिवाइडेड, आई तक डिवाइडेड है स्मॉल तक, अगर आप कैपिटल में मानते हो तो ये भी होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो अगर उसको निकालने का फॉर्मूला पूछे तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इन टॉपिक्स पे तो नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट डेफिनेशन आती है। यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जैसे समीशन का मतलब एडिशन होता है, उसी तरीके से पाई जहाँ पे लिखेंगे उसका मतलब मल्टीप्लाई, ये आपके लिए एक नई चीज है। पाई एन का मतलब क्या होता है, एन वन इंटू एन टू एन टू एन फोर एंड सो ऑन, जितने तक अपनों ने लट किए हैं। तो ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आप याद रखो। अब अपने एक नया टॉपिक करते हैं स्टार्ट का, अपने नया जो टॉपिक है उसका नाम है नैरोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नैरोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन with increasing the number of particle। देखो जितने भी टॉपिक मैं आपको क्लास में करवाऊंगी
सारे के सारे आपके पेपर में आए हुए होंगे और इस यूनिट में सिलेबस में भी ये टॉपिक आए हुए हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास कि प्रूफ करो कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण वक्र के चौड़ाई में कमी आती है, ठीक है, या प्रायिकता वितरण के मान में कमी आती है, क्योंकि यहाँ पे कर्व नहीं लिखा हुआ ना, कणों की संख्या बढ़ने पर, संख्या को मैं इस तरीके लिख रही हूं, प्रायिकता वितरण के मान में कमी होना। देखो ये टॉपिक आपके पास एज इट इज आएगा पेपर में, और अगर आपके पास फाइव ईयर हो तो आप फाइव ईयर खोल के देखना कि आपके पास ये वाले टॉपिक बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, और स्टैट के बुक में आपके पास सिलेबस भी यही है इन टॉपिक्स का, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी आना, ठीक है। पहले तो मैं आपको प्रायिकता वितरण वक्र बता देती हूँ क्या आते हैं, वो हमेशा इस तरीके के आते हैं, ठीक है, थीके? ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है। अभी मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी आना, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आता है और आपके सिलेबस में इसी तरीके के टॉपिक ही मेंशन है, ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया, माना कि मेरे पास देखो कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी आना, मतलब प्रायिकता वितरण बता रहा है कि पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनको, पार्टिकल्स को। तो मैं लेट कर लेती हूँ, मेरे पास क्या है, कोई 2n पार्टिकल है, लेट, मैंने क्या माना मेरे पास कोई 2n कण है, ठीक है। इन 2n कणों को क्या करना है, मेरे पास कोई दो बॉक्स है, एक ए और एक बी, मुझे क्या करना है, जैसे मैंने स्टैट में आपको बताया था, स्टैट करोगे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे आप, ठीक है। अब टॉपिक का नाम भी क्या, कणों की संख्या बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के मान में कमी आना। मैं आपको ये चीज प्रूफ करवाऊंगी जब अपने इस टॉपिक के एंडिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। और स्टैट में आपके पास ये चीज जरूर, आप जो भी टॉपिक शुरू करो आपको टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि इसमें हाँ ये जरूर है बोल्ट्जमैन और स्टैटिस्टिकल जब चलती है तब आपको खुद कर सकते हो, लेकिन इन टॉपिक को आपको शुरू करना आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो आप टॉपिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने क्या माना, मेरे पास 2n कण है, मेरे पास कोई दो बॉक्स है, एक ए और एक बी, कणों का वितरण करने जैसा टॉपिक का नाम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कणों का वितरण कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, मुझे पता है मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या होता है, वो स्थूल अवस्था जिसके संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या मैक्सिमम हो, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट। देखो इसीलिए मैंने डेफिनेशंस की क्लास ली थी, ताकि अब जब मैं एमपीएस लिखूं तो आपको एमपीएस का मतलब पता होना चाहिए, और मैंने एमपीएस का आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बताई थी कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये थ्योरेटिकल भी बताया था। तो मुझे पता है एमपीएस करना है, मतलब मैं क्या करूं, दोनों पार्टिकल्स में आधे आधे पार्टिकल डिवाइड कर दूं, मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट मैंने आपको यही बताई थी ना, उसमें मैं एन ले रही थी और मुझे मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट करना था, एक बॉक्स में एन बाय टू डाला और दूसरे में भी एन बाय टू डाला था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास 2n पार्टिकल्स है, तो इसीलिए मैं दोनों बॉक्स में एन एन पार्टिकल डालू, ये मेरी मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट होगी। तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी को शो किससे करते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, पी एन को मैं एन से शो करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकलती है ना एमपीएस से। अब मुझे पता ऊपर क्या आता है, 2n फैक्टोरियल, जैसे मैंने वहां पे किया था, टोटल जितने पार्टिकल्स थे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इनटू 1/2 की पावर 2n, जैसे मैंने आपको बताया था 1/2 की पावर 2n क्या शो कर रही है, टोटल प्रोबेबिलिटी को, और ये किसको शो कर रही है, 2n में से n चुनने की तरीका, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने बेसिक की दो क्लासेस ली थी, ताकि आपको पता चले कि मैं ये कैसे लिख रही हूँ। मैं फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ, पी एन कोमा एन है, देखो ये होता कितना है, फेवरेबल, 2n में से कितने n निकालने, फेवरेबल ये हो गए अपॉन टोटल समीशन ऑफ 2n अपॉन n, फेवरेबल मुझे पता है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, फिर बनेगा 2n माइनस n, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपने आप ही n आ जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, n लिख देती हूँ, एन लिख दू इंटू टोटल, मुझे पता है 1/2 की पावर जितने भी टोटल पार्टिकल्स होते हैं वो बन जाते हैं, तो उससे भी एन को मैं एन का आपको फॉर्मूला समझ आया। किया क्या मैंने अभी तक, मैंने क्या माना मेरे पास कोई 2n कण है, उन 2n कण को मेरे को दो बॉक्स में बांटना है, एक ए में और एक बी में, ठीक है, और मुझे पता है मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट क्या होती है, जब दोनों बॉक्स में मैं आधे आधे पार्टिकल्स डिवाइड कर दूं, तो ये इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब मैं एक और चीज कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, एस कणों का प्रतिस्थापन करती हूँ,
यानी कि मैंने क्या किया, एस पार्टिकल्स लिए, एन एन तो डालने के बाद एस कण मैंने एक बुक से निकाले दूसरे में डाल दिए, तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, किसी एक से निकाले एन माइनस एस मैंने मान लिया, ए से निकाल दिए, किस में डाल दिए, बी में डाल दिए, जिसमें डालूंगी उसमें एन प्लस एस हो जाएंगे इज इक्वल्स टू टू, एन तो फिक्स रहेगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, तो जिसमें से एक में से मैंने निकाले तो उसमें क्या लिख दिया एन माइनस एस फैक्टोरियल, और जिसमें मैंने डाले उसको एन प्लस एस फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू वन अपॉन टू की पावर एन, भी फिक्स रहेगा। तो ये चीज आपको समझ आई, मैंने क्या किया 2n पार्टिकल्स लेके ए और बी दो बॉक्सों में डाले हैं। अब देखो मैंने क्या किया 2n पार्टिकल्स लिए, ए और बी दो बॉक्स में डाले, मुझे पता है मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट क्या है, n को मैं एंट्रोपी का नाम क्या, कणों की संख्या बढ़ने से प्रायिकता वितरण के मान में कमी आना, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एक में बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो कर्व है उस वो नैरो होता जाएगा, वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने एन एन मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट तो रखी, फिर मैंने क्या करना था कणों की संख्या बढ़ानी थी, इसीलिए मैंने किसी एक में कणों की संख्या बढ़ा दी, टोपी के नाम के हिसाब से ही कर रहे हैं, किसी एक में कणों की संख्या बढ़ी, वो कैसे पता चला एन प्लस एस कर दिया, एस निकाल के दूसरे में डाल दिया, तो जैसा टॉपिक में बोला वैसा हमने कर दिया ना, कि कणों की संख्या मैक्सिमम प्रोबेबल से मैंने क्या किया एस एस बढ़ा दिया। मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो मुझे पता है एन माइनस एस कोमा एन प्लस एस अपॉन पी एन कोमा एन, यही चीज का डिवाइड लगेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट है, फिर कणों की संख्या बढ़ानी थी तो किसी एक से एस निकाल के दूसरे में मैंने डाल दिया, तो मेरे पास ये चीज क्या बनी 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एस फैक्टोरियल इंटू एन प्लस एस फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर 2n, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी मैंने, अब मेरे को लिखनी है इक्वेशन नंबर 1, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर 2n, 2 की पावर 2n से 2 की पावर 2n कैंसिल है ना, 1 अपॉन 2 की पावर 2n, 1 अपॉन 2 की पावर 2n कैंसिल, ये टर्म्स कैंसिल हो गई इतनी, तो मेरे पास क्या बना n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस s फैक्टोरियल n प्लस s फैक्टोरियल, यही चीज बनी। इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख दूं ऊपर, क्योंकि n इंटू n n फैक्टोरियल का स्क्वायर है n माइनस s n प्लस s। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ कि ये किसी r के इक्वल है, ठीक है, इतनी बड़ी टर्म लिखने के बजाय मैंने इसको r लिख दिया, लेट ये वाली जो चीज है वो r के इक्वल है, अगर वो r के इक्वल है तो r क्या आया, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n माइनस s फैक्टोरियल n प्लस s फैक्टोरियल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन क्या कर लेती हूँ, लॉग ले लेती हूँ, ठीक है, लॉग लेने पर बाय टेकिंग लॉग, जब मैं लॉग लूंगी तो मुझे पता है क्या होता है, लॉग लिया दोनों साइड तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग आर इज इक्वल्स टू लॉग एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एस फैक्टोरियल इंटू एन प्लस एस फैक्टोरियल। देखो एन प्लस एक्स और एन माइनस एस इसीलिए क्या, क्योंकि कणों की संख्या मुझे क्या करनी थी मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट से बढ़ानी थी, तो किसी एक में बढ़ेंगी तो एक में घटेंगी भी ना, इसीलिए एक में तो n से s बढ़ गई, एक में n से s कम होगी, ठीक है, तो यहां से क्या बना log r is equals to log n factorial का स्क्वायर, मुझे पता है log x स्क्वायर होता है तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 log x लिख सकती हूँ, पावर आगे आ जाती है, तो ये कंडीशन मैं यहाँ पे चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लगाऊंगी, u अपॉन v है तो log u माइनस log v होता है, log u अपॉन v इज इक्वल्स टू log u माइनस log v होता है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, माइनस log n माइनस s इंटू n प्लस s फैक्टोरियल, मुझे पता है यहाँ से log u इंटू v भी बन रहा है इस केस में यहाँ पे, तो मैं वो चीज यहाँ पे अप्लाई करूंगी और ये वाली चीज भी यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 log n फैक्टोरियल पावर आगे आ गई माइनस log n माइनस s फैक्टोरियल, प्लस आएगा इधर log u इंटू v log n प्लस s फैक्टोरियल, यही चीज बनी इज इक्वल्स टू 2 log n फैक्टोरियल माइनस log n माइनस s फैक्टोरियल, फिर से ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस माइनस log n प्लस s फैक्टोरियल। अब
देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम होता है स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्टर्लिंग का फॉर्मूला। और वो स्टर्लिंग का फॉर्मूला क्या है, आपको लॉग एन फैक्टोरियल सॉल्व करने नहीं आते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, मान लिया कि कोई लॉग एक्स फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। और एक चीज और, अगर लॉग वन प्लस एक्स फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू आती है एक्स, लॉग वन माइनस एक्स फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू आती है माइनस का एक्स, यानी कि लॉग वन प्लस एक्स एक्स प्लस माइनस एक्स फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस एक्स आती है। देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये स्टर्लिंग का फॉर्मूला है। स्टर्लिंग का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पे फैक्टोरियल ही होता, स्टर्लिंग ने हमें दो फॉर्मूले दिए थे, एक तो दिया था ये और एक दिया था ये, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टर्लिंग का सूत्र। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, जब जब आप स्टार्ट करोगे आप बहुत बार इन दो फॉर्मूलास का यूज करोगे, इन दो में से इसका तो मैक्सिमम टाइम यूज होता है। लॉग एक्स फैक्टोरियल कैसे सोल्व होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स रह गया, ठीक है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, लोग वन प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस एक्स के इक्वल आती है। तो ये दो फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लो। तो ये देखो, अब यहाँ पे हमें पता है लोग एन फैक्टोरियल बन रहे हैं तो वहां पे मेरे पास स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे लोग एन फैक्टोरियल, लोग एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, लोग एन प्लस एक्स फैक्टोरियल है तो ये एक्स की तरह, तो यहां से मैं स्टर्लिंग का ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। तो मुझे पता है लोग आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टू ब्रैकेट में क्या है, लॉग एन फैक्टोरियल, टू इंटू लॉग एन फैक्टोरियल, तो मैं इसको यूज करती हूँ यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे क्या बना, एन लॉग एन माइनस एन, जैसे लॉग एक्स फैक्टोरियल का क्या था, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, तो वो चीज मैंने यहाँ पे यूज की माइनस। अब क्या है, लॉग एन माइनस एक्स फैक्टोरियल था तो मैं इस यहाँ पे भी स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज करती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज करूंगी मुझे पता है क्या बनेगा, n माइनस एस लॉग n माइनस एस माइनस n माइनस एक्स, क्योंकि अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या, एक तरीके से n माइनस एस है, तो ये बना x लॉग x माइनस फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस था एक और, अब n प्लस एक्स पे फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n प्लस एस लॉग n प्लस एस माइनस n प्लस एस। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपने पास क्या बनेगा, टू एन, टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग एन माइनस टू एन माइनस एन माइनस एस का लॉग एन माइनस एस से मल्टीप्लाई करके लिख दो, एन लॉग एन माइनस एस माइनस, और एक और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लगा दिया, एस लॉग एन माइनस एस, ठीक है, फिर ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस एन माइनस एस, यही चीज बचेगी माइनस, फिर से ये वाली टर्म का एन का एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर एक्स एस का मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहां से क्या आएगा, एन लॉग एन प्लस एस माइनस इंटू प्लस इज माइनस एस लॉग एन प्लस एस, और माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस एन प्लस का एस। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास बने टू एन, यहाँ पे एक एन बना, ये वाला प्लस का एन और ये प्लस का एन और ये माइनस का टू एन, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला माइनस का एस, ये वाला प्लस का एस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जो चीज बची उसको लिखो, टू एन लॉग एन माइनस एन लॉग एन माइनस एस, या इसको आप ऐसे ही बढ़ा दें, तो इस वाली चीज को, अगर इस वाली चीज को लिख लो चाहे, प्लस एस लॉग एन माइनस एस माइनस एन लॉग एन प्लस एस माइनस एस लॉग एन प्लस एस, इसको मैं वापस से ऐसे लिख रही हूं एक बार, टू एन लॉग एन माइनस एन, एक माइनस कॉमन लो तो एन माइनस एस बन जाएगा, लॉग एन माइनस एस माइनस एन प्लस एस लॉग एन प्लस एस। इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लो,
कल इसको यहीं से आगे सॉल्व करेंगे। स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज किया है और इसमें और भी अगर स्टर्लिंग का फॉर्मूला यूज होगा वो कैसे यूज होगा तो अपने कल करेंगे। और जो टॉपिक का नाम था कि प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ने पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आती है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी कैसे कमी आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।